सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दो मरीज संक्रमित पाए गए हैं। ये दोनों ही मामले कर्नाटक में पाए गए हैं। इसकी पुष्टि खुद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने बताया है कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाए गए दोनों मरीजों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जानकारी के मुताबिक एक संक्रमित मरीज वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुका है, जबकि दूसरे मरीज ने पहली डोज ली है। सूत्रों के मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए 66 साल के बुजुर्ग ने साउथ अफ्रीका का दौरा किया था, जबकि 46 साल के दूसरे मरीज ने ऐसी कोई यात्रा नहीं की थी और वो एक स्वास्थ्य कर्मी है। दोनों मरीजों को सिर्फ बुखार की शिकायत है और वो पूरी तरह ठीक है। वही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के हवाले से स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 5 गुना ज्यादा खतरनाक है और ये बाकी के मुकाबले तेजी से फैल सकता है। बता दें, अब तक 29 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है और WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की पहचान की गई थी। वही ओमिक्रॉन के संक्रमण को देश में फैलने से रोकने के लिए बीते दिनों दिल्ली में केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय मीटिंग भी की थी और सभी राज्यों को अलर्ट कर बाहर से आने वाले लोगों की कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड समेत कई राज्यों ने केंद्र सरकार से विदेशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।